अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ज़बरदस्त हलवे की रेसिपी शेयर करूंगी। ये कमर्शियल हलवा है, ये आम खाने घर में जो आप हलवा खाते हैं इसे थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली नई वीडियोस मौसूल हो सकें। तो चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। सबसे पहले आपने आधा कप घी ले लेना है। घी आप देसी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरा भी घी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2/3 कप मैंने ले लिया है सूजी का, इसे अच्छी तरह से आपने छान लेना है। 1 कप भर के और 1/4 कप चीनी का ले लें, 3 से 4 इलायची, इसे मैंने तोड़ लिया है, आधा चाय का चम्मच फूड कलर ले लें, जर्दा कलर ले लें आप, और आधा ही चाय का चम्मच चाय का केवड़ा इसमें। बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई ले लें और चूल्हा जला लेते हैं। कढ़ाई गर्म हो गई है, अब इसमें हम घी डाल देंगे। घी गर्म हो गया है, अब इसमें इलायची डाल देंगे हम, 5 सेकंड के लिए इसे फ्राई कर लेंगे। अब आपने इसमें सूजी डाल के इसे भून लेना। अब सूजी की भीनी भीनी खुशबू आना शुरू हो गई है, ये हमारी सूजी भुन चुकी है। अब साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी चीनी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। अब इसमें साथ ही 3 कप पानी शामिल कर देना है आपने और इसी स्टेज पे फूड कलर भी ऐड कर देंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करके अब हम इसे ढककर पका लेंगे। ये 3 से 4 मिनट तक इसे कवर करके हम पका लेंगे। इसे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं पकते हैं। अब इस स्टेज पे मैं इसमें केवड़ा शामिल कर दूंगी और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स करके बिल्कुल लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। हलवे को मैंने मीडियम फ्लेम पे पकाया है, इसे 3 मिनट हो गए हैं पकते हुए। ये माशाल्लाह हमारा मजेदार हलवा तैयार है। अब इसे हम डिश आउट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। अभी हम इसे गार्निश करेंगे ड्राई फ्रूट्स के साथ। आपके पास घर में जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं आप इसमें वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत मज़ेदार ट्रेडिशनल हलवा है, ये जो हलवा पूरी आप बाज़ार से लेते हैं वही हलवा है, आपने ज़रूर घर में इसे ट्राई करना है। ये ख़ास मैं ईद की रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ, आपने इसे ईद पर ज़रूर ट्राई करना है और ख़ुद भी खाएं और अपने घर वालों को भी खिलाना है। और इसका फीडबैक आपने हमें देना नहीं भूलना है। अपना और अपने साथ जुड़े लोगों का ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।